हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कद्दूकस वाली मूली मटर की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिए मैंने 2 मूली और यहाँ लिए मटर। मटर को छील लेंगे और मूली को भी छील लेंगे। छील के अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में कद्दूकस कर लेंगे मूली को। तो मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है और मटर को भी छील लिया है मैंने। तो मटर और मूली की सब्जी बनाने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो मूली मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दी फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें तेल। और तेल लिया मैंने 1 बड़ा चमचा। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें जीरा 1 छोटी चम्मच और इसी के साथ डालेंगे यहाँ पे आधी छोटी चम्मच राई और इसी के साथ डाल देंगे यहाँ लहसुन बारीक कटा हुआ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और इसी के साथ में डालेंगे यहाँ अदरक कद्दूकस करा हुआ और लहसुन और अदरक को भी अच्छे से सिकने देंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से सिक गया। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लेंगे हल्की सी। डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को भी सेक लेंगे। तो हमारा अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्ची अच्छे से सेक गई है चारों चीज़ें। और अब डालेंगे इसमें मूली जो हमने कद्दूकस करके रखी थी। और मूली को अच्छे से मिला लेंगे एक बार प्याज अदरक और लहसुन के साथ में। तो मूली को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें मटर और इसी के साथ डाल देंगे यहाँ पे नमक। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसी के साथ डाल देंगे यहाँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और नमक और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। तो नमक हल्दी मटर को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ। तो 3 मिनट हो गए हमारे। ढक्कन को हटा लेंगे और चेक करेंगे। तो मटर और मूली हमारी गल चुकी है अच्छे से। और अब डालेंगे इसमें मसाले। तो मसाले में ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ ले रही हूँ मैं 2 चम्मच छोटी धनिया पाउडर और यहाँ ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। आधी छोटी चम्मच ले रही हूँ काली मिर्ची पाउडर और यहाँ ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें 1 टमाटर कटा हुआ बारीक बारीक। टमाटर लिया है मैंने बड़ा और अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये टमाटर है जो हमारा अच्छे से गल जाए। इसको कवर करने से क्या होता है जल्दी से टमाटर गल जाता है। और इसको 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो यहाँ मैं ढक्कन लगा दिया है 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा लेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टमाटर है जो हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो मिला लेंगे टमाटर को भी अच्छे से। तो
यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया टमाटर को भी। अब डालेंगे इसमें खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। मूली की सब्जी में तो आप जितना धनिया डालोगे उतनी अच्छी बनेगी सब्जी। तो धनिया को अच्छे से मिला लेंगे हरे धनिया को। तो हरे धनिया को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो हमारी मूली मटर की सब्जी है जो बन के तैयार। अगर मूली मटर की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मूली मटर की सब्जी कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।